गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 86 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th, हमारी डेट 15 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। हमें अपना चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स के लिए आपका जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, किस तरह के बेस्ड आपके जो 1 मार्क के क्वेश्चन है, मतलब 5 क्वेश्चन आपको देंगे, ये क्वेश्चन में 1-1 मार्क के होंगे सारे, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका आएगा। बहुत ईजी है, बहुत स्कोरिंग है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ईजी है, सबसे पहले आपको ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपको ये इस साइड दिया हुआ नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, लोग, इतने जो लोगों की संख्या है, और इधर दिया हुआ एज ग्रुप, ठीक है, मतलब 0 से 10 जिनकी एज है, जिनकी उम्र 0 से 10 साल है, ठीक है, उन बच्चों का यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। 1600 बच्चे ऐसे हैं, ये हेल्थ के ऊपर, ये है हेल्थ सर्वे किया गया था जिसमें जो हेल्दी पीपल, जो स्वस्थ लोग हैं, उन हर एक ग्रुप के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से कि इस उम्र में इतने स्वस्थ बच्चे हैं, 0 से 10 साल के बीच में इतने बच्चे स्वस्थ हैं, 20 से 30 की उम्र में इतने लोग स्वस्थ हैं, ठीक है, इस तरीके का हेल्थ सर्वे किया था हेल्थ और वेलफेयर केयर बोर्ड ऑफ दिल्ली ने। तो जो डाटा कलेक्ट हुआ सारे एज ग्रुप्स का, उसको बार ग्राफ में क्या कर दिया, शो किया गया है, ठीक है, जितने भी एज ग्रुप्स में जितने भी हेल्दी लोग हैं उनको बार ग्राफ में शो किया है। तो आपको डाटा केयरफुली पढ़ना है और आंसर्स देने हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल ऑफ द यंगेस्ट एज ग्रुप ओवर द एल्डेस्ट एज ग्रुप। सबसे पहले जो यंगेस्ट लोग हैं कितने लोग हैं वो, ओवर द ओल्डेस्ट, नीचे क्या आ जाएगा, जितने ओल्डेस्ट हैं, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा यंग, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा ओल्ड हो जाएगा। मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालनी है बेटा, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से कर देंगे, तो चलो ढूंढते हैं। सबसे पहले यंगेस्ट देखो, यंगेस्ट कौन से हैं, यंगेस्ट तो सबसे 0 से 10 है ना, सबसे यंग तो यही है 1600 है, और ओल्डेस्ट कौन से, ओल्डेस्ट जिस तो 60 से 70 की जिनकी उम्र है, ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट है, ऐसे 500 है, तो 1600 यंगेस्ट है और जो ओल्डेस्ट है वो कितने हैं 500, तो 1600 कैसे लिखोगे, 1600 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई में 100 इज इक्वल्स टू, 0 से 0 कट गई, 1600 बाई 5 को आप डिवाइड करोगे तो 320 आपका आंसर आएगा, मतलब जो ऑप्शन बी है 320% वो आपका आंसर है, ठीक है, इतना सा ही लिखना है सिर्फ आपको फर्स्ट पार्ट में, क्लियर है। अगर पहले समझ लो साथ के साथ, उसके बाद में आंसर्स भी आपको अच्छे से ऐसे नहीं समझ में आ रहे तो कॉपी पे मैं आपको लिख के दिखा दूंगी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट हो गया, नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हेल्दी पीपल फ्रॉम एज 0 to 70 ईयर्स। टोटल पीपल बताने हैं जो 0 से 70 साल के बीच में कितने हैं, तो ध्यान से देखो यहाँ से 0 स्टार्ट होता है और 70 यहाँ पे एंड होता है, तो टोटल कितने लोग हैं, इन सबको प्लस कर दो, है ना, इन सबको प्लस कर दो, करो यहाँ पे प्लस। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड का आंसर होगा हमारा 1600 प्लस में कितना था 1400 प्लस में, जितने भी आपको दिए हुए ना सारों को सिर्फ प्लस करना है, 1300 प्लस में 1200 प्लस 1100 प्लस 500 हो गए सारे, तो इन सब को आप टोटल करोगे तो आपका 8100 आपका आंसर आएगा, ठीक है, मतलब जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही है बिल्कुल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन हो गया, ये आपका था क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव एज ग्रुप्स हैविंग मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ पीपल। आपको 2 कंसेक्यूटिव एज ग्रुप, कंसेक्यूटिव लगातार ऐसे आपको कंसेक्यूटिव एज ग्रुप्स ढूंढने हैं जिसमें मैक्सिमम डिफरेंस हो, सबसे ज्यादा डिफरेंस हो, अंतर जिनके बीच में सबसे ज्यादा हो, तो अंतर सबसे बीच में यहाँ पे देखो कितना है, 1600 और 1400 में कितना है, यहाँ पे तो 200 का गैप है ना, इसके बीच में 1200 का गैप है, यहाँ पे देखो 1400 और 300 में 100 का गैप है, 300 और 1200 में 100 का गैप है, 1200 और ये 1100 में भी 100 का है, 1100 और 1000 में भी 100 का है, लेकिन यहाँ देखो डायरेक्ट 1000 से सीधा 500, यहाँ पे 500 का है, ठीक है, तो उसने यही पूछा है सबसे ज़्यादा एज गैप जो है, डिफरेंस है वो कहाँ पर है, ठीक है, कौन से एज ग्रुप में है, तो देखो कौन से एज ग्रुप में है, कौन सा है, 50 से 60, यहाँ पे दिया हुआ है 50 to 60, 1000 वाले में और इस वाले में, कौन से एज ग्रुप है, 50 to 60 और 60 to 70 वाला है ना, इसमें सबसे ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ए पार्ट जो है हमारा 50 to 60 एंड 60 to 70 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हेल्दी पीपल इन द एज ग्रुप 10 to 20 एंड 50 to 60। 50 to 60 और 10 to 20 में सबसे ज़्यादा जो हेल्दी पीपल हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है, तो 10 to 20 में कितने हैं 1400 हैं, और 50 to 60 में कितने 1000 है, ठीक है, दोनों में होगी 10 to 20 पूछा है और 50 to 60 पूछा है, ये देखो 50 to 60 वाले पूछे, तो इन दोनों में टोटल पूछे हैं, तो इन दोनों को प्लस कर दो, कितने थे 1400 थे, है ना, फोर्थ वाले का आप आंसर लिखोगे 1400 थे प्लस में आपके 1000 थे, कितने हो गए टोटल 24 हो गए, 2400 हो गए, मतलब जो ऑप्शन बी है वो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एज ग्रुप्स हैव मोर देन 1100 हेल्दी पीपल।
मतलब 1100 से ज़्यादा हेल्दी पीपल कौन से एज ग्रुप्स, कितने एज ग्रुप्स में, ये पूछा है। 1100 से ज़्यादा पूछा है, 1100 वाला नहीं होगा ये, तो 1100 से कम है। कितने एज ग्रुप बच गए? 1, 2, 3, 4 चार ऐसे एज ग्रुप हैं जो क्या हैं आपके, हेल्दी है। 1100 से ज़्यादा लोग हेल्दी हैं, तो मतलब जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है? एक बार फटाफट से सारे आंसर्स दोबारा से देख लो। तो देखो ये आपके, ये मैं दिखा रही, ये 5 क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, 320, सेकंड का है 8100, थर्ड का है ए पार्ट, और फोर्थ का है बी पार्ट, और इस फिफ्थ का है ए पार्ट। ये 5 क्वेश्चंस थे। क्लियर है? आप इनके सॉल्यूशंस देख लो। ये आपका सॉल्यूशंस, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैं सारे समझा चुकी हूँ, सिर्फ दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से आप लिख सकते हो, क्वेश्चन लिखो और नीचे ऐसे आंसर लिख लो। क्लियर है? तो ये आपकी वर्कशीट, छोटी सी आज वर्कशीट थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।